हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्लोर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई परीक्षा तिथि घोषित यहां पे कर दी गई है और इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम कब होने वाला है, कितनी पारियों में एग्जाम होगा, कितने एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स की हम आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड ने ट्वीट करते हुए अभ्यर्थियों को ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। इस विषय में संबंधित जानकारी समय समय पे विभाग की वेबसाइट पे और उनके ट्विटर हैंडल पे अपलोड की जाएंगी। साथ ही में यूपी पुलिस बोर्ड ने यहाँ पे एक नोटिस जारी करते हुए ये सूचना दी है कि जो एग्जाम है वो इन इन तिथियों को होने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तिथि जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त बुधवार तक आपका 5 दिन ये एग्जाम चलने वाला है। लास्ट टाइम जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था वो 2 दिन में ही 2 पारियों में करवा दिया गया था और उसके चलते पेपर लीक की सूचनाएं बाहर निकल के आई और पुष्टि हुई कि हाँ पेपर लीक हुआ है, उसके चलते पेपर रद्द कर दिया गया था और अब वही पेपर जो फरवरी में हुआ था वो दोबारा से आयोजित करवाने जा रही है यूपी पुलिस। ठीक है, पिछली बार 50 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा 2 दिन में कराई गई थी लेकिन इस बार परीक्षा जो है वो 5 दिन में करवाई जाएगी ताकि अव्यवस्थाएं न हैं और सुरक्षा बनी रहे। जन्माष्टमी के पर्व के कारण 26 से 29 यानी कि 4 दिन परीक्षा में गैप रखा गया है। ठीक है, और आप एक बार फिर से देख लीजिए आपका एग्जाम डेट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, यानी कि 5 दिन आपका एग्जाम यहां पे आयोजित करवाया जाएगा। सिपाही भर्ती की यह परीक्षा इस साल 17 और 18 फरवरी को करवाई गई थी। ठीक है, इस बार जो एग्जाम जो करवाया गया था यूपी पुलिस का वो 17 और 18 फरवरी को 2 पारियों में करवा दी गई थी और प्रदेश के 75 जिलों में यह परीक्षा हुई थी। कई जगह पे पेपर लीक हुआ और उसकी पुष्टि होने के बाद एसटीएफ ने जांच की और जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी। एग्जाम के करीब 50 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे यानी कि 50 लाख विद्यार्थियों ने ये एग्जाम दिया था और यूपी प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम जो है ये यहाँ पे हुआ था। सिपाही भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 60,244 सिपाहियों को यहाँ पे भरा जाना है। ठीक है, आगे नोट करने वाली बात यह है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड जारी होंगे और साथ ही में परीक्षा के लिए नए सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस बार सरकारी और एडेड स्कूलों को ही सेंटर बनाया जाएगा। एग्जाम 2 पारियों में होगा, हर पाली में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे लेकिन इस बार जो यूपी पुलिस ने सबसे अच्छा काम किया है वो किया है कि ये जो एग्जाम है ये 5 दिन चलने वाला है और उसके चलते अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, थोड़ी सहूलियत रहेगी एग्जाम में। आगे बात करें अभ्यर्थियों के लिए यूपी रोडवेज बसों में फ्री सेवाएं यहां पे जारी कर दी गई हैं। तो जो जो विद्यार्थी जो है यूपी पुलिस की परीक्षा देने जाएगा उनके लिए यूपी सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री ट्रेवल की यहां पे सुविधाएं दी गई है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो आपको कंडक्टर को दिखाना होगा और वहां पे आपको बस में एंट्री मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात इस बार यूपी पुलिस ने रखी है इसमें। साथ ही में आगे हम बात करें पदों की, तो देखिए यहाँ पे पद जो है वो कौन कौन से कैटेगरी में कितने पद हैं यहाँ पे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला जो है जनरल कैटेगरी में 24,102 पदों पर ये भर्ती है। साथ ही में ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 6,024 पदों पे ये भर्ती है और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 16,264 पद यहाँ पे ओबीसी के लिए रखे गए हैं। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 12,650 पदों पर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे सिपाही भर्ती यानी कि सिपाही बनाया जाएगा। साथ ही में एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 1204 विद्यार्थी यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे एसटी के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैं आगे भी ऐसे ही यूजफुल जानकारी आपके लिए लेकर के आता रहूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपकी यूजफुल रही होगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।